पिछले रिवीजन में हमने पढ़ा था दिस और दैट पे वाक्य बनाना, जैसे दिस इज अ बॉय यानी यह एक लड़का है, यहाँ पे दैट इज अ बॉय यानी कि वह एक लड़का है। दिस का प्रयोग पास में जो भी कुछ वस्तु वगैरह पड़ी है उसके लिए, और दैट का प्रयोग हमसे जो भी दूर है उसके लिए हम करते हैं। आज जो लेसन फर्स्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें दिस और दैट है, तो आज का लेसन दिस पे है, यानी कि हम दिस पे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर किस तरह से दिया जाता है। इज का अर्थ है होता है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी वाक्य शुरुआत में इज आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो फिर उसका यही ध्यान रखना कि वह एक प्रश्न बन जाएगा और उसका हमें उत्तर देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे इज दिस अ कैमल, इज दिस अ कैमल यानी क्या यह एक ऊंट है, यानी इसकी तरफ इशारा करते हुए हमें पूछ रहे हैं कि क्या यह एक ऊंट है। आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे ऊंट का ही चित्र है, यानी बात सही है, ये ऊंट ही है, तो हमको इसका उत्तर यस में देना है, यानी YES यस यानी हाँ, IT इट यानी यह, IS इज यानी है, यानी कि हाँ यह है, तो उस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा यस इट इज, हाँ यह है, यानी कि हाँ यह ऊंट है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न आया है आपके सामने, इज दिस अ हॉर्स, इज दिस अ हॉर्स यानी क्या वह एक घोड़ा है। तो आप देख रहे हो चित्र में किसका चित्र है, घोड़े का ही चित्र है, यानी वह एक घोड़ा ही है, तो इसका उत्तर होगा यस इट इज यानी हाँ यह है। अगला प्रश्न है इज दिस अ बस यानी क्या यह एक बस है। आप देख रहे हो चित्र में आप बस का ही चित्र देख रहे हो, यानी सही है, यह एक बस ही है, तो आपको उसका उत्तर लिखना है यस इट इज यानी हाँ यह एक बस है। अगला प्रश्न है इज दिस अ टेबल यानी क्या यह एक टेबल है। तो आप देख रहे हो चित्र में यहाँ पे एक टेबल का ही चित्र आपके सामने दिया हुआ है, यानी हाँ ये टेबल ही है, टेबल को हिंदी में मेज भी कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है यस इट इज यानी हाँ यह है। अगला प्रश्न आपके सामने इज दिस बुक यानी क्या यह एक किताब है। आप किसका चित्र देख रहे हैं, चित्र में किताब का ही चित्र है, यानी यह प्रश्न जो पूछ रहा है उसका उत्तर सही है, यानी आपको यस में उत्तर देना है यस इट इज यानी कि हाँ यह किताब ही है। और लास्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इज दिस बैग यानी क्या यह एक बस्ता है। आप चित्र देख रहे हो चित्र में क्या बस्ता ही है, तो यानी कि यह बस्ता है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है यस इट इज यानी कि हाँ यह बस्ता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गए। आपको इन प्रश्नों की घर पे प्रैक्टिस करनी है, इनको पढ़ना है, उसका उत्तर देने का प्रयास करना है। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जितने उदाहरण हैं, उसके आधार पे भी आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा नए उदाहरण भी पूछ सकते हैं, जैसे इज दिस अ पेंसिल, तो यस इट इज, इज दिस अ बॉक्स यानी यस इट इज, इस हिसाब से आप अपने मन से भी वाक्य बना के प्रयास कर सकते हैं, इससे आपका बोलने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा।